अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर व्लॉग, ईद स्पेशल व्लॉग। आप सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और सबसे पहले उठ के सफाई करनी पड़ती है। माशाल्लाह जी, ये दोनों भाई नमाज़ पढ़ के आ गए हैं। उधर सामने खड़े हो जी। आ जाओ जी। उम्मा कैसी रही नमाज? मौलवी साहब ने अच्छी पढ़ाई है। आपको पढ़नी आती थी? अच्छा, मिलो ना ईद। ईद तो वाले दो बहनों से ईद देते नहीं है। लेते नहीं है, देते हैं। अच्छा लेते हैं, देते हैं बहनों को। अच्छा जी नहीं, चलो अब नाश्ता वगैरह करो। ठीक, यहाँ पे माशाल्लाह बन रही है। चावल बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं। खीर माशाल्लाह जी, खीर हमारी बिल्कुल तैयार है और सब खाने वाले भी तैयार हैं। सबको खीर इतनी पसंद है, नाश्ते में सब खीर ही खाएंगे। और दूसरी तरफ खाना भी तैयार हो रहा है। माशाल्लाह ईद पे खीर तो हर जगह पे बनती है और हर खीर की अपनी अलग ही बात होती है, लेकिन मेरे घर की खीर हमेशा से ही स्पेशल रही है। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। माशाल्लाह से मेरे मम्मा ने एक खीर का बाउल तैयार कर दिया है, जिसमें इतने प्यारे प्यारे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट किया। इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देख के हर किसी का दिल यही करेगा कि वो खीर खाए। खीर वैसे भी टेस्ट में बहुत अच्छी थी। माशाल्लाह हमने साथ चाट बनाई है। चाट और खीर का कॉम्बो क्या ही बात है, मज़ा ही आ जाएगा। हर बंदा अपनी मर्जी से खा सकता है, नमकीन या मीठा। हर घर में मीठा ही होता है, इसलिए हमने डिफरेंट किया नमकीन। और साथ में हम इंशाल्लाह खाने का बंदोबस्त करेंगे, जो जिसका नसीब होगा इंशाल्लाह। और ये इसका नहीं, स्पून देखिए कितनी प्यारी है। माशाल्लाह यहाँ पे सब इकट्ठे हो गए थे दुआ वगैरह करने के लिए, क्योंकि ईद वाले दिन मीठे पे दुआ वगैरह करके फिर सारा काम शुरू करना चाहिए। खीर हमने बनाई हुई थी, ताया वो हमारे आए हुए थे और सबने मिलके ख़त्म वगैरह पढ़ा, दुआ वगैरह मांगी खैरियत की, खुशियों की। ईद क्योंकि खुशियों की होती है, दुआ पे खुशियों की मांगी। फिर रवायती नाश्ता है हमारा माशाल्लाह से, कबाब और पराठा देना। और इस दफ़ा हमारे कबाब बहुत अच्छा बना, तरतरा सा लग रहा है। देखो पैसे, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हानी को तो इतनी प्यारी ईदी मिल गई है। वाओ, हानी ने हार भी पहना हुआ है। ये ड्रेस देखो, जूते देखो, जूते देखो, सैंडल। इस बार तो सैंडल बहुत अच्छे लिए हैं। ये है ना, ये भी है ना, ये देखो ना। मेहंदी किसने लगाई है? मेहंदी भी दिखाओ, मेहंदी दिखाओ, मेहंदी। हां ये देखो जी, मेहंदी। हानिया ईद मुबारक। हानिया को ईद, ये देखो, ये देखो, ये देखो। नो करना, ये किसने लिया? ये किसका है? ये किसका है? जूते की तरह, जूते की तरह, हानिया के जूते की तरह। कितना पता हानिया लगी हुई है, लिपस्टिक कहाँ लगी हुई है? ये 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 ऊपर मुंह करो, ऊपर मुंह करो। ये देखो जी, अपनी लिपस्टिक दिखा रही है कि मुझे खालों ने लगाई है, हैं? और ये फुल लुक है इसकी, देखो कितनी प्यारी क्यूट सी बार्बी डॉल लग रही है। करो उम्मा, ऐसे करो। मेरी प्यारी सी प्रिंसेस को देख लिया, तो प्रिंसेस के आप ही को भी देख ले। माशाल्लाह मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, आप सबने माशाल्लाह जरूर बोलना है, क्योंकि नज़र पहले ही लग गई थी। नज़र इज सो रियल, और हमारी फैमिली को तो नज़र बहुत जल्दी लगती है। एक परफ्यूम टूटने से मैं यहाँ पे बैठी थी और मेरे पाँव में कट लग गया है। देखिए खून इतना ज़्यादा निकल रहा है, अभी किसी ने देखा नहीं है तो इतनी नज़र लग गई है, तो वैसे क्या होगा यार। देखो चोट लगने के बावजूद ईद की खुशियाँ बांटने के लिए मैं अपने सब फैमिली के साथ सबके घरों में गई थी, सबको ईद मुबारक कहने के लिए गई थी। और चोट मुझे थोड़े से लोगों ने देखा था अभी, और फिर भी लग गई है नज़र। और लगता है जिन्होंने देखा था उन्होंने माशाल्लाह बोलना भूल गए थे, इसलिए मुझे नज़र लग गई है। लेकिन इसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी, हल्का हल्का चल के मैं सबके घर तक पहुँच गई थी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सबसे पहले हम पहुँच गए अपने दायाबू के घर पे। यहाँ पे हमने ठंडी ठंडी बर्फ़ वाली पेप्सी पी, क्योंकि मुझे तो फ्लू लग जाता है, फ़ौरन से मैंने नहीं पी, लेकिन बाकियों ने पी। उन्हें तो ठंडी ठंडी बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी, क्योंकि माउथ में उनके आइस आ रही थी और आइस जब आ रही थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, उन्होंने पी। देन हम लोग अपने एक और अज़ीज़ के घर चले गए, ये भी मेरे दायाबू हैं। यहाँ पर हम लोग बैठे, कुछ देर बात की, और यहाँ पर बैठने का मज़ा भी आया था, सब इतनी देर बैठे रहे।
यहाँ पहुँचे तो खाने का टाइम हो चुका था, खाना तैयार था, तो आंटी ने बोला खाना खा के जाना। यहाँ पे मुझे मेरे प्यारे से पप्पा जी ने भी ज्वाइन कर लिया, मेरी पप्पा सोदिया में है माशाल्लाह से, और इन्होंने ईद यहाँ हमारे साथ की है। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठंडा था, लेकिन तूफ़ान का हलचल था, इसलिए हम कहीं और नहीं गए। मेरे पाँव में चोट भी लगी हुई थी, ईदी मिली हुई थी तो ईदी हमने खर्च भी करनी थी। रात के लिए हमने बहुत सारे स्नैक्स इकट्ठे किए और गेम्स खेले। उसके लिए ईद का गिफ्ट पैक करने लगी, उसने मुझसे फरमाइश की थी तो मेरा हक था कि मैं उसे देती गिफ्ट। तो जी मैंने उसके लिए क्या क्या लिया है मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने उसके लिए लिए हैं चूड़ियाँ, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, न्यू डिज़ाइन है, दोनों की एक जैसी ली थी। उसके साथ एक और चूड़ियाँ ली हैं मैंने, वेलवेट में आई हैं, न्यू डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारी हैं, दोनों की मैंने सेम सेम ली थी। साथ में मैंने ये नेकलेस लिया है, बहुत ही प्यारा है, ये भी दोनों का सेम था, मैं तो पहन चुकी हूँ। अब ईद के बाद उसे दे रही हूँ क्योंकि वेकेशन आ गए थी ईद की तो मैं दे नहीं सकी, साथ में इसके लिए मेहंदी है। तो चलें पैक करते हैं, गिफ्ट तैयार हो चुका है, अब मैं इसकी पैकिंग कर रही हूँ और पैकिंग करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मेरा गिफ्ट पैक हो चुका है, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। अब जिसे दे रही हूँ उसे भी पसंद आ जाए, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसे ईद पे गिफ्ट दूँ, ईदी दूँ, तो भाई उसके लिए सब कुछ अल्लाह ताला उसे नसीब करें, आमीन। व्लॉग लेट आने के लिए सॉरी, आई होप आपको व्लॉग ये अच्छा लगा होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए, बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।